चीन में कोरोना के सुनामी आने का अंदेशा जताया गया है। चीन के फुडान यूनिवर्सिटी की स्टडी में अनुमान है अगर कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई तो जुलाई तक 16 लाख मौतें चीन में हो सकती हैं। चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है और ऐसे में स्टडी का कहना है कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील अगर दी जाती है तो जुलाई तक 16 लाख मौतें होंगी और अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ये स्टडी ऐसे समय में आई है जब WHO ने चीन से जीरो कोविड पॉलिसी की बजाय संक्रमण रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाने की बात कही है। दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। 2020 में जब दुनिया भर में कोरोना फैलना शुरू हुआ तब चीन ने इसे अपने यहाँ काबू करने का दावा किया। 2021 में जब डेल्टा वेरियंट सामने आया तो चीन ने 14 दिन में ही इस पर काबू करने का दावा किया, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरियंट ने हालत खराब कर दी है। इसे काबू करने में स्वास्थ्य अधिकारी परेशान हो चुके हैं। चीन में सबसे खराब हालत शंघाई में है। 6 हफ्ते से सख्त लॉकडाउन है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन में हैं और 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे चीन में ऐसे हैं जो किसी न किसी पाबंदी में गुजर बसर कर रहे हैं। स्टडी में कहा गया है कि मार्च में चलाया गया वैक्सीनेशन कैंपेन ओमिक्रॉन की लहर रोकने के लिए जरूरी इम्यूनिटी बनाने के लिए काफी नहीं है। हालांकि रिसर्चर्स ये भी कहते हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर मौतों को कम किया जा सकता है। ओमिक्रॉन की लहर में 1/3 मौतें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और अनवैक्सीनेटेड लोगों की हो सकती हैं। चीन में अब भी 5 करोड़ बुजुर्गों और 60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है। इस दौरान 11 करोड़ 22 लाख से ज्यादा मामले सामने आएंगे और 51 लाख से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। ये आंकड़े और अंदाजा दोनों भयावह हैं, साथ ही चीन के लिए एक सबक भी जो दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद लगातार अपने यहाँ की तस्वीर और आंकड़े छिपाता रहा है।